हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नाउ वील स्टडी नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 6, टाइम मोशन एंड स्पीड। टाइम मोशन एंड स्पीड, हाउ टू मेजर द टाइम मोशन एंड स्पीड। टाइम, टाइम के बारे में जैसे हम बोलते हैं एक घंटे बाद, दो घंटे बाद, पाँच मिनट के बाद, एक सेकंड में आते हैं, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। दो दिन बाद आएंगे, चार दिन बाद आएंगे, एक साल बाद, दो साल बाद। तो ये जो एक साल, दो साल, वन ईयर, टू ईयर, आफ्टर वन आवर, आफ्टर फाइव ईयर, विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट, सेकेंड, मिनट, घंटा, एक साल, दो साल, छः महीने, पंद्रह दिन, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी, इन दिस पीरियड वी हैव यूजिंग दिस, वी आर यूजिंग दिस टाइम। ये हमें कैसे पता चला? पुराने ज़माने में लोग कैसे टाइम का पता चलते थे? अभी तो हमारे पास में घड़ी है, वॉच है, हमारे हाथ में घड़ी होती है, हमारे मोबाइल में घड़ी है, हमारे घर में घड़ी है, दीवार के ऊपर घड़ी लगी हुई है, उसको घड़ी को देखकर हम बता देते एक घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, चार घंटे हो गए, ओ बस स्कूल ख़त्म होने वाला है, छः घंटे पूरे हो गए। तो ये सब हमें अभी पता चल रहा है, पर पुराने ज़माने में टाइम को कैसे मेज़र किया जाता था, लोगों को कैसे पता चलता था कि एक घंटा हो गया है, एक दिन पूरा हो गया है, पंद्रह दिन पूरे हो गए हैं, एक महीना पूरा हो गया है। जैसे हम बोलते हैं पंद्रह दिन, पंद्रह दिन के बाद में फिर पंद्रह दिन, तीस दिन हो गए, एक महीना पूरा हो गया। ऐसे ही पूरे बारह महीने तक जब एक 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 मंथ होता जाता है, हम बोलते हैं एक साल पूरा हो गया, दो साल पूरे हो गए, तीन महीने हैं, तीन महीने जो है बारिश रहेगी, तीन महीने जो है ठंड का मौसम रहेगा। तो ये सारा हमको कैसे पता चला, ये हमें कैसे पता चलता है, पहले के ज़माने में टाइम को मेज़र कैसे किया जाता था। फिर मोशन, यदि हम चल रहे हैं, हमारी बॉडी, यदि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो वो मोशन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स प्लेस, अपनी जगह से उस बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, दैट इज़ अ मोशन। ये कैसे पता चला? ये हमको आज जो हमारे पास में यूनिट्स है मेजरमेंट के लिए, वो पहले लोग कैसे करते थे। सो विल स्टडी अबाउट दिस टाइम मोशन एंड स्पीड। तो ये जो टाइम है जिसको बोलते मेजरिंग टाइम, हम टाइम का कैसे पता लगाते? अब आप ये बताओ मुझे कि यदि आपके पास में घड़ी नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक घंटा हो गया है, एक पीरियड ख़त्म हो गया है, सेकंड पीरियड लगने वाला है, या आपको कैसे पता चलेगा कि बस मुझे चार घंटे के बाद में वहाँ जाना है, मुझे सुबह बराबर 7 बजे उठना है। यदि आपने किसी को टाइम दिया है कि चलो हम कल मिलते हैं, यदि हम कल मिलते हैं तो किस समय मिलेंगे? हम बोलेंगे ठीक है, तुमने सो के उठना और आ जाना, हम मिलेंगे। पता चला कि आप जल्दी से सो के उठ गए, वो देर से सो के उठा, आप दोनों जिस समय पर मिलने वाले थे मिल नहीं पाए। तो ये जो टाइम है हमको देखने के लिए, हम बोलते हैं बराबर 6 बजे हम वहाँ पर मिलेंगे, 10 बजे हम स्कूल जाएंगे, 2 बजे हम स्कूल से वापस आएंगे, 4 बजे हम कोचिंग जाएंगे। तो ये जो टाइम हमको पता चलता है, अभी घड़ी से पता चलता है, पहले के ज़माने में ये सब कैसे होता था, मेजरिंग टाइम। तो यदि हम ऐसे ही किसी चीज़ पर छोड़ दें कि अपने मन से चले जा रहे हैं, कभी भी जा रहे हैं, कभी भी आ रहे हैं, तो हमारे किसी भी काम का कोई टाइम नहीं रहेगा, उसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। एक काम हम करते रहेंगे तो करते ही रहेंगे, बाकी सारे काम हमारे ऐसे कैसे रह जाएंगे। तो उसके लिए हमें मेज़र करने के लिए कुछ ना कुछ तो लगेगा ना, कुछ तो एक फ़िक्स क्वांटिटी लगेगी, एक फ़िक्स टाइम, फिक्स कुछ तो लगे हमें लगेगा, फ़िक्स यूनिट लगेगी, जिसके आधार पर यदि मैंने कहा है कि मैं एक घंटा पढ़ूंगी, तो वो एक घंटा मतलब उसमें एक फ़िक्स यूनिट रहेगी कि उतना ही एक घंटा, मतलब यदि मेरे अलावा और भी कोई बोलता है कि एक घंटा, तो बराबर उतनी सेम यूनिट दैट पर्सन ऑल्सो विल यूज़। यदि मैंने बोला कि मैं एक घंटा साइंस पढ़ूंगी, तो एक घंटा मतलब इस एक घंटे में जितनी भी यूनिट्स आती है, फिक्स यूनिट, वो यदि मेरे लिए एक फ़िक्स यूनिट यदि है, तो वो हर किसी के लिए सेम यूनिट रहेगी। यदि मैं यहाँ बैठकर बोलती हूँ कि 10 मिनट, तो 10 मिनट यदि मैं बोल रही हूँ कि 10 मिनट में मेरा ये काम होगा, तो 10 मिनट में जितनी भी यूनिट्स आती है, वो चाहे यहाँ बैठे हो या कहीं वर्ल्ड के किसी भी कोने में यदि आप बैठेंगे, तो आपके पास भी वो सेम यूनिट्स रहेगी। तो सेम यूनिट्स वी विल यूज़, सो वी वॉन्ट दैट सेम फिक्स्ड यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टाइम। सो वॉट इज़ द मेजरिंग टाइम, हाउ वी मेजर द टाइम? वी नीड अ फिक्स्ड यूनिट टू मेजर द टाइम, वी नीड अ फिक्स्ड यूनिट टू मेजर द टाइम।
हमें समय का पता करने के लिए एक फिक्स यूनिट की ज़रूरत है, और एक बार यदि एक यूनिट हम फिक्स कर लेते हैं तो वह हर किसी के लिए एक जैसी होगी। एक घंटा यदि मेरे लिए है तो एक घंटा हर किसी के लिए सेम यूनिट्स रहेगी, उतनी ही यूनिट्स रहेगी उसके लिए भी। सो इट इज़ द फिक्स्ड क्वांटिटी। तो मेजरिंग टाइम वी नीड अ फिक्स्ड क्वांटिटी। अब ये जो मेजरमेंट का टाइम है, जैसे मैंने आपको बताया कि पुराने ज़माने में कैसे लोग पता चलते थे, बीच में बहुत बड़ा मैदान है, उसके बीच में एक बड़ा सा खंभा लगा हुआ है, सनराइज़ हो रहा है, सुबह सनराइज़ हुआ, उस खंभे से जब इट इज़ इन दैट सच ए डायरेक्शन दैट द शेडो फॉल्स एंड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द शेडो, उस जो परछाई उसकी आती थी उस परछाई के आधार पर लोग जो है पता करते थे कि अभी कितनी बजी होगी। पर ये जो है पॉसिबल है व्हेन देयर इज़ अ सन आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद में क्या होगा? सनराइज़ है तब तक तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, पर सनसेट के बाद क्या करेंगे? मतलब हम उस चीज़ को भी एक फिक्स यूनिट नहीं कह सकते, फिक्स नहीं कह सकते हैं कि हाँ ठीक है तो शाम को 6 बजे के बाद में तो हमको टाइम पता ही नहीं चलेगा फिर तो। सो वी नीड फिक्स टाइम, दैट इज़ मेनी थिंग्स आर देयर। सो मेजरिंग टाइम इट इज़ द फिक्स यूनिट एंड दैट विल बी फिक्स्ड फॉर एवरीबडी। इसके बाद में आता है पीरियोडिक इवेंट्स। अब यदि हमारे पास में कोई फिक्स यूनिट नहीं है तो उसके लिए फिक्स यूनिट के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक काम को करने में हमें कितना टाइम लग रहा है, या कोई भी काम यदि रिपीट हो रहा है तो कितने इंटरवल के बाद में वो रिपीट होता है। जैसे यदि मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमें पता है कि 1 हफ्ते में पूरे 7 दिन होते हैं, मतलब जब वो 7 दिन पूरे हो जाएंगे तो 7 दिन के बाद में हफ्ता फिर से रिपीट होगा, डेट आगे बढ़ जाएगी, बराबर 7 दिन का 1 हफ्ता है, बराबर अगले 7 दिन में दूसरा हफ्ता आ जाएगा, जस्ट उसके अगले 7 दिन में तीसरा हफ्ता आ जाएगा, फिक्स्ड यूनिट हो गई तो हमें पता चल गया। या 15 दिन के बाद में हमें पता है कि 15 दिन और फिर 15 दिन, पहले 15 दिन हो गए, उसके बाद में दूसरे 15 दिन, 30 दिन पूरे हो गए, हमको पता है 30 दिन पूरे हो गए, मतलब 1 महीना पूरा हो गया। तो ये जो पीरियोडिक इवेंट्स है, पीरियोडिक इवेंट्स मतलब विच आर रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, एक उसको पूरा कंप्लीट होने में फिक्स टाइम लगता है। 1 हफ्ते को यदि अभी 1 हफ्ते को पूरा होने में 7 दिन लगे हैं तो अगले हफ्ते में भी 7 दिन ही लगेंगे, 6 दिन नहीं लगेंगे। पूरे हफ्ते में 7 दिन है तो अगले हफ्ते में भी 7 दिन ही रहेंगे, 7 दिन के बाद वो हफ्ता रिपीट होगा। 1 महीने में 30 दिन है तो नेक्स्ट मंथ को भी 30 दिन ही लगेंगे। तो देर इज़ ए फिक्स इंटरवल, पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक मतलब कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद में वो जो है मोशन रिपीट होती है, दैट इज़ द पीरियोडिक टाइम। अब ये पीरियोडिक इवेंट्स जितने भी है जो कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद में रिपीट होते हैं, तो दैट इज़ दिस पीरियोडिक इवेंट्स। अब इनको मेजर करने के लिए पुराने ज़माने में इन सब का पता करने के लिए कई प्रकार के डिफरेंट जो है मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे। जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है, एक बनाई है यहाँ पर मैंने कैंडल क्लॉक, एक डायग्राम है आर ग्लासेस, और फिर है सनडायल। अभी कैंडल क्लॉक मतलब क्या है, जैसे आपने एक कैंडल ली है उसके ऊपर टाइम मेजरमेंट लिख दिया है आपने, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, फिर जस्ट यू लिट द कैंडल, आपने कैंडल को जलाया, आपने कैंडल को जलाने के बाद में वो जलते जलते जब इस एक पॉइंट पर आएगी तो आप समझ जाएंगे कि 1 घंटा पूरा हो गया है, या जलने के बाद में जब वो सेकंड पॉइंट पर आएगी तो हम समझेंगे 2 घंटा पूरा हो गया है। तो इससे पूरा पता चलता था कि जब वो इतने पूरे मेजरिंग टाइम, इतना पूरा मेजर वो कंप्लीट करेगी तो अभी कितना टाइम हुआ होगा। बट अगेन इसमें भी प्रॉब्लम है कि इट कैन नॉट गिव अस द फिक्स्ड टाइम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इसके बाद में मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है आर ग्लासेस का। आर ग्लासेस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सैंड है, 2 ग्लासेस है एक दूसरे के ऊपर वर्टिकली रखे हुए हैं, और ऊपर वाले ग्लास में जो है सैंड है ना, ये आर ग्लास जो है इसमें से सैंड जब नीचे आएगी तो उससे हमको टाइम पता चलेगा। फिर तीसरा डायग्राम मैंने बना के रखा है सनडायल का। सनडायल में एक सर्कुलर प्लेट होती है, उसमें एक ट्रायंगुलर प्लेट होती है, उसको हम ग्नोमन बोलते हैं, फिर एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड का पीस है उसके ऊपर, रेक्टेंगुलर है। अब इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखते हैं तो जब सनरेज आती है, व्हेन दे फॉल्स ऑन दिस पीस, कार्डबोर्ड पीस, तो इसकी शैडो जो है इसके ऊपर बनती है,
जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक ओपन ग्राउंड में एक बहुत बड़ा सा पोल है और सन की रेज आ रही है, तो उसकी परछाई जो है हमें ग्राउंड में दिखाई देती है, और हम यदि उसको ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि मॉर्निंग के समय धीरे 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 उस परछाई की लेंथ आपको अलग अलग दिखेगी, जैसे जैसे शाम होती जाएगी फिर से, मतलब वो एक बार यदि उसकी परछाई ग्राउंड पर आई है तो पूरा दिन भर एक जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि ड्यूरिंग द सनराइज सन इज इन ईस्ट एंड एट द टाइम ऑफ सनसेट इट कम्स टू द वेस्ट। तो ये सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब आ रहा है, हमारी अर्थ रिवॉल्व हो रही है, घूम रही है, तो ये शेडो का जो लेंथ है, ये शेडो की लेंथ भी बदलती रहती है। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम है, सन डायल में भी यही है कि जब सनरेस आएगी तो इसकी परछाई जो है यहाँ पर गिरती है, इससे टाइम का मेजरमेंट, टाइम हमें पता चलता है परछाई से। पर फिर वही है कि इफ़ इट वर्क्स ऑन सनराइज देन वॉट विल बी आफ्टर द सनसेट, सनसेट के बाद में क्या होगा, सूर्यास्त जब होगा उसके बाद में हमें टाइम का पता कैसे चलेगा, शाम को 6 बजे तक का पता चलेगा, उसके बाद में क्या होगा। तो अगेन इट कैन नॉट बी यूज, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं टाइम के मेजर, टाइम को मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब एक एक्टिविटी है जो मैंने आपको बताई थी कि जैसे आपने दो बॉटल ली है, आपने दो बॉटल ली है और उन दो बॉटल को एक, उसमें से एक बॉटल में आपको सैंड भरना है। तो ये दिस इज द बॉटल, एंड वी विल टेक वन मोर बॉटल, विल फिल सैंड इन इट, उसमें हम रेत को डालेंगे, इसके बीच में जो है हमें एक होल करना है, जो दूसरी वाली बॉटल लेंगे उसमें भी एक होल करेंगे, उसमें हम सैंड को डालेंगे और जस्ट उस बॉटल को इस बॉटल के ऊपर हम ऐसा उल्टा रख देंगे। अब यहाँ पर जो है इस बॉटल में रखी हुई सैंड जो है इस होल में से धीरे 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 जो है वो सैंड यहाँ नीचे आएगी, एंड वी नो दैट इस बॉटल में से सैंड को इस बॉटल में आने में कुछ तो टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम। तो एक बॉटल में से दूसरी बॉटल में, एक बॉटल को हमने सीधा रखा है, दूसरी बॉटल में सैंड भरकर उसको बीच में छेद करके उसको उसके ऊपर इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, एंड वी सी दैट द सन फॉल दिस सैंड फॉल्स डाउन फ्रॉम वन बॉटल टू अदर, और इसको एक बॉटल से दूसरे बॉटल में गिरने में कुछ टाइम लगता है। यदि इस एक्टिविटी को हम 2-3 बार करें तो हम पता कर सकते हैं कि यदि ये बॉटल पूरी सैंड से भरी हुई है तो पूरी सैंड इस बॉटल में से इस बॉटल में आने में कितना टाइम लगता है, और क्या हर बार ये फिक्स टाइम है, हर बार क्या उतना ही टाइम लगा है। तो उसको हम टाइम मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट फिर देर इज़ ए प्रॉब्लम इन ऑल दिस थिंग्स। ये सारी ओल्डन मैथड्स है, ये ओल्डन वेज है जब जिसको यूज़ किया जाता था। आज के ज़माने में आपको पता है कि नाउ द साइंस इज़ डेवलप्ड, साइंस इतना डेवलप हो गया है, हमारे साइंटिस्ट ने इतने सारे इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर लिए हैं कि हमें अब इन चीज़ की हम ज़रूरत नहीं समझते हैं। हमारे पास में वॉच है, घड़ी है, हमारे पास में कैलकुलेटर में भी घड़ी है, हमारे पास में मोबाइल में भी घड़ी है, सब कुछ है, और उसमें हम मेज़रमेंट कर सकते हैं, हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं। तो दीज आर द ओल्डन वेज व्हेन द पीपल वर मेज़रिंग द टाइम, कैंडल क्लॉक, आर ग्लासेस एंड सन डायल। अब ये जो कैंडल क्लॉक है इसका भी कोई फिक्स नहीं है, आपने मोमबत्ती को जलाया है तो कोई ज़रूरी नहीं है, यदि ज़्यादा हवा चलेगी तो वो बुझ भी सकती है ना, या यहाँ पर यदि आपने इसको बाहर में रख दिया तो हवा के कारण इसमें कुछ डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, सनसेट के बाद में तो इसका कुछ यूज़ है नहीं, तो इसलिए इसको हम ऐसे मेजरिंग यूनिट, इसको हम ऐसा यूज़ नहीं कर सकते, पुराने ज़माने में लोग जरूर करते थे। या जैसे सैंडून के बारे में हमें सुना है कि जैसे राजस्थान वाला एरिया जहाँ पर जब हवा चलती है तो रेत के जो है ऐसे रेत ऐसी बहते हुए जाती, इकट्ठी हो जाती है, सेंड के ढेर बन जाते, पर वो भी फिक्स नहीं है। आप पता चला कि आपने यहाँ से वहाँ तक गए, वहाँ तक आपने काउंट किए कि इतने ढेर हैं, और आते समय हवा इतनी चली कि वो पूरा सेंड का जो हवा के कारण जो सेंड एक जगह पर इकट्ठी हुई थी वो सारी दूसरी जगह पर चली गई। तो ऐसा कोई फिक्स यूनिट हमारे पास में नहीं है कि यहाँ से वहाँ तक जाएंगे तो हमको इतना टाइम लगेगा, यहाँ से वहाँ तक जाएंगे तो इतना, ये ऐसा कुछ फिक्स हम नहीं बता सकते। सो दीज आर द ओल्डन वेज वी वर यूजिंग टू मेजर द टाइम। मेजरिंग टाइम इट इज द फिक्स यूनिट, द यूनिट इट हैज द फिक्स यूनिट्स, वी हैव द फिक्स यूनिट्स, वी शुड हैव द फिक्स यूनिट टू मेजर द
टाइम. देन पीरियडिक इवेंट्स मतलब विच आर रिपीटेड आफ्टर पीरियड्स ऑफ टाइम. एक सेम पीरियड ऑफ टाइम उसके बाद में जो रिपीट होते हैं दैट इज द पीरियडिक इवेंट्स. एंड वी हैव योर कैंडल क्लॉक, आर ग्लासेस एंड सनडायल. अगेन दिस सनडायल वर्क्स अकॉर्डिंग टू द सनराइज सनसेट. सो आफ्टर सनसेट वी कैन नॉट मेजर द टाइम. फुल डे वी कैन मेजर द टाइम बट आफ्टर नाइट आफ्टर द सनसेट इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द टाइम. सो चिल्ड्रन यू स्टडी दिस, यू सी दिस ओल्डन वेज हाउ द टाइम वॉज मेजर्ड बाय द पीपल. सो वी हैव हियर कैंडल क्लॉक, आर ग्लासेस, सनडायल. इवन यू कैन डू दिस एक्टिविटी ऑल्सो. नाउ यू हैव द वॉच टू मेजर द टाइम. तो एक बार, दो बार, तीन बार आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. तो आप जो फोर्थ टाइम एक्टिविटी को रिपीट करेंगे तो आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यदि ये सेम टाइम ले रहा है हर बार तो आपको बराबर पता चल जाएगा. यदि इस बॉटल से पूरी सैंड इस बॉटल में आ गई है तो 10 मिनट हो गए होंगे, 15 मिनट हो गए होंगे, एक घंटा हो गया होगा. सो यू कैन मेजर इट. इफ़ यू डू द एक्टिविटी अगेन एंड अगेन विदाउट सीइंग द वॉच यू कैन सी हाउ मच टाइम इट हैज़ टेकन टू टेक द सैंड फ्रॉम वन बॉटल टू अनदर. सो दिस इज अबाउट द मेजरिंग टाइम. नाउ यू सी दिस डायग्राम एंड यू स्टडी इट वेल. सो स्टूडेंट्स, now we will study about the second part of this chapter, that is the pendulum clock. इसके पहले हमने पढ़ा था olden methods, olden ways, पुराने ज़माने में कैसे measure करते थे. उसमें हमने आर ग्लासेस पढ़ा, sundial पढ़ा, है ना. now we will study about the pendulum clock. pendulum clock, pendulum clock क्या होता है, pendulum किसको बोलते हैं, ये जो मैंने diagram बना के रखा है ये क्या है, what I have written here on this, what about this, all about it is about pendulum clock. अब ये pendulum clock जो है जिसमें कि एक बीच में bob होता है, वो bob जो है अपने fix place से दोनों तरफ जो है it moves, एक side से दूसरे side, वहाँ से पूरा दूसरे side. तो it takes time, it takes a fixed time to complete this one oscillation. Before that I will tell you about pendulum clock, that Galileo Galilei, Italian scientist Galileo Galilei has discovered this pendulum clock. अभी के ज़माने में आपने देखा होगा घड़ियाँ होती है जिसमें पेंडुलम होता है और वो पेंडुलम जो पूरा टाइम अपने सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ जो है उसकी एक जैसी मोशन चलती रहती है. ये आपने पेंडुलम क्लॉक में देखा है. तो ये जो पेंडुलम क्लॉक, जो ये पेंडुलम वॉच में आया है, घड़ी के अंदर आया, कहाँ से आया, इसको किसने खोजा? तो द इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली हैज़ डिस्कवर्ड दिस पेंडुलम क्लॉक. और जब उसने इस पेंडुलम क्लॉक को डिस्कवर्ड किया तो उन्होंने देखा कि इस पेंडुलम को अपने सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ का सेम डिस्टेंस कवर करने में एक फिक्स टाइम लगता है. सो इफ़ it moves from its center place, so to go from this side to this side, then again to go this side and come to the center, it takes a fixed time. तो उसके लिए मैंने ये diagrammatic representation दिया है कि pendulum कैसा होता है. तो इसकी खोज किसने की? Pendulum clock, it is discovered by Italian scientist Galileo Galilei. उसने तो इसको खोज किया, पर घड़ी में कहाँ से आया? तो Dutch scientist जो है, the Dutch scientist, the name is क्रिश्चियन हाइजेंस. ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने इसको यूज़ करके एक पेंडुलम क्लॉक बनाई, पेंडुलम वॉच बनाई, उसको यूज़ किया. तो ये पेंडुलम क्लॉक एक्चुअली क्या होता है कि इसमें जो है, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये इसका एक फिक्स स्टैंड है. इसके ऊपर हमने एक धागा लिया है, धागे में हमने एक बॉब लटका दिया है, गोला. अब इस बॉब को यदि हम इसके सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा मूव करते हैं तो थोड़ा मूव करने के बाद में ये बॉब जो है अपनी ए पोजीशन से बी पोजीशन में जाता है, बी पोजीशन से ये सेंटर से होते फिर सी पोजीशन में जाता है और सी पोजीशन से वापस ए पोजीशन में आता है. मतलब इसको इस ए पोजीशन से यदि मैं थोड़ा सा मूव करती हूँ तो मूव करने के बाद में दिस बॉब विल गो फ्रॉम ए टू बी, then it will move back from B to A, then it will go to A to C, another side, again it will come in the center. तो इस bob को इस center point A से B तक जाने में, B से पूरा C और C से वापस A तक आने में जितना time लगता है, that is the time period. ये इसका time period है कि इस bob को A से B, B से C, C से A यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, दैट इज़. और ये जो इसका पूरा ये पाथ है,
ए से लेकर बी तक का, बी से पीछे आकर वापस सी तक जाके वापस सेंटर में आना, इट कम्प्लीट्स इस वन ऑसिलेशन, उसका एक ऑसिलेशन पूरा हो जाता है इसमें। और ये एक ऑसिलेशन पूरा करने में उसको जितना टाइम लगता है, वो आगे के सारे एक एक ऑसिलेशन करने में भी उसको उतना ही टाइम लगेगा। सपोज इफ़ दिस इज द बॉब, इफ़ आई मूव इट फ्रॉम इट्स सेंटर पॉइंट ए, देन इट विल मूव टूवर्ड्स बी, देन इट कम बैक टू ए, देन गो टू सी, देन अगेन इट विल कम बैक टू ए, ए से बी, बी से सी और सी से वापस ए आने में। सपोज इसको यदि 2 सेकेंड लगते हैं, तो हर बार ये पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसको 2 सेकेंड ही लगेंगे। तो टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इट टेक्स द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, उसको उतना ही टाइम लगता है कंप्लीट करने में। इट टेक्स द सेम इंटरवल ऑफ टाइम टू कंप्लीट दिस वन ऑसिलेशन। और इसका एक ऑसिलेशन कब पूरा होता है? जब ये ए से बी, बी से सी और सी से वापस ए की तरफ आता है, तब उसका जो है एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है, उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इट टेक्स ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एंड दिस द टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट इट्स वन ऑसिलेशन इट इज नोन एज इट्स टाइम। तो ये जो पेंडुलम का बॉब है, इस बॉब को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, एक ऑसिलेशन इसका कंप्लीट कब होगा? जब ये अपने सेंटर पॉइंट से ए से बी की तरफ जाएगा, बी से वापस पीछे आकर सी की तरफ जाएगा और फिर सेंटर में आएगा, तो ये पूरा ए टू बी, बी टू सी, देन ए, इतना पूरा कंप्लीट करने में उसको जितना टाइम लगता है, दैट इज़ द टाइम पीरियड। और ये पूरा इसका एक ऑसिलेशन पूरा हो गया। ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसको जितना टाइम लगेगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा। अगला जो एक ऑसिलेशन पूरा होगा, उसको भी उतना ही टाइम लगेगा। तो इट विल गिव अस द एग्जैक्ट टाइम, इससे हमको बराबर उतना ही टाइम पता चलता है, बिकॉज इट रिपीट्स इस मोशन आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। हर एक मिनट के बाद में वो अपनी मूवमेंट को रिपीट करता है, उसके ऑसिलेशंस वापस रिपीट होते हैं और उसको उतना ही टाइम लगता है जितना उसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लगा। तो टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट इट्स वन ऑसिलेशन इट इज नोन एज द टाइम पीरियड, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं उसको? टाइम पीरियड। और ये कंप्लीट जो है इसका है, उसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन मतलब फ्रॉम मूव, स्टार्ट फ्रॉम ए, मूव टूवर्ड्स बी, कम बैक टू सी, देन अगेन कम टू द सेंटर, इट मीन्स इट हैज कंप्लीटेड हिज वन, इट्स वन ऑसिलेशन। तो ये जो है, यदि हमें पेंडुलम का जो हमें टाइम पीरियड मेजर करना है, तो वी हैव वन फॉर्मूला, दैट इज फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/10। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसको जितना टाइम लगेगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि हर बार के एक एक ऑसिलेशन करने में उसको उतना ही पूरा टाइम लगेगा। दैट इज़ द, ये दिस इज़ द, ऑन दिस प्रिंसिपल दिस पेंडुलम वर्क्स, इस प्रिंसिपल के ऊपर ये पेंडुलम जो है काम करता है। सो दिस इज़ द पेंडुलम क्लॉक। दिस पेंडुलम वॉज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो गैलीली, एंड द अनदर गैलीलियो गैलीली इज द इटालियन साइंटिस्ट हु हैज़ डिस्कवर्ड दिस पेंडुलम। And then Dutch scientist Christian Huygens, he has taken its use to make the pendulum watch. Watch में जो pendulum आया वो उन्होंने उसको लाया। तो this is the pendulum in which bob moves from its place and it completes its one oscillation and it takes a fixed interval of time to complete its one oscillation. अब ये जो है, ये तो हो गया कि हमें टाइम इससे पता चल जाएगा, पर कई बार ऐसा होता है कि मुझे ये पता करना है कि मैंने यदि यहाँ से चलना शुरू किया है, यहाँ से दौड़ना शुरू किया है, तो मुझे यहाँ से उस पोल तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो क्या उस समय हम हमारी घड़ी को साथ में लेकर जाएंगे, या हमारे घर में दीवार के ऊपर जो घड़ी लगी हुई है बड़ी, क्या हम वो घड़ी, बड़ी वाली घड़ी लेकर जाएंगे कि जैसे ही मैंने दौड़ना शुरू किया या किसी ने दौड़ना शुरू किया तो भी वहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है। अब यदि हमने देखा, उस घड़ी को अपने हाथ में लिया, तो पता चला वहाँ पहुँच गया, हम देख रहे तब तक कांटा और जो थोड़ा आगे बढ़ गया। तो हमें तो एक फिक्स टाइम चाहिए ना, किसको एक पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा है। तो हम, हमारे पास में जो घड़ी है उसको हम हमारी इच्छा के अनुसार चालू या बंद नहीं कर सकते। एक बार यदि वो फिक्स हो गई है, तो यदि उसकी सेल खराब होगा तो भी वो बंद होगी,
नहीं तो हमने सोचा कि अभी ये घड़ी बंद हो जाए, चलो इसका कोई स्विच है, जैसे पंखे को ऑन किया, स्विच किया, ऑन किया, पंखा चालू हो गया, स्विच बंद कर दिया, पंखा बंद हो गया। घड़ी का ऐसा थोड़ी है कि आपने घड़ी को ऑन किया और उसको आपकी इच्छा हो तब आपने बंद कर दिया, पता चला चलो यहाँ से वहाँ तक जाना है, वहाँ जाते से घड़ी को बंद कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें इस केस में हमें जो है एक जगह से दूसरे जाने में जितना टाइम लग रहा है वो हमें फिक्स टाइम उससे हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि घड़ी जो हमारे घर हम जो यूज़ करते हैं उसको बंद या चालू, ऑन और ऑफ हम हमारी व्हील के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। उसका ऑन ऑफ जो स्विच है वो हमारे हाथ में नहीं है, उसको हम नहीं कर सकते। तो फिर इस केस में कि यदि इतना डिस्टेंस कवर करने में इस गाड़ी को कितना टाइम लगा है, या मुझे यहाँ से वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा है, यदि मैंने ग्राउंड के 4 चक्कर लगाए हैं दौड़कर तो मुझे कितना टाइम लगा है, बराबर कितने मिनट कितने सेकंड लगे हैं, तो इतना एग्जैक्ट मिनट और इतना एग्जैक्ट सेकंड्स जो है हम जो है हमारे घर में जो जनरल वॉच यूज़ कर से उससे हम मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि उसका स्विच ऑन ऑफ का हमारे हाथ में नहीं है। तो इस केस में यदि हमें बराबर एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट जो है हमें मिनट्स और सेकंड यदि पता करने हैं हमें, क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई कंपटीशन होती है, यदि कोई रेस हो रही है, रनिंग रेस हो रही है, रिले रेस हो रही है, तो उस समय हमें तो जो हमें पता करना है कौन सबसे पहले आया, किसका पहले आने का टाइम क्या है, उसमें सेकंड सेकंड में भी अंतर पड़ सकता है, 1 सेकंड के अंतर से भी कोई जीत सकता है तो 1 सेकंड के अंतर से कोई हार भी सकता है। तो उस समय हमें बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम यदि पता चलना है तो हमारे पास में एक ऐसी घड़ी होना चाहिए जिसे हम हमारी इच्छा से बंद कर सकें, हमारी इच्छा से हम उसको चालू कर सकें। तो हमारी इच्छा से हमें चालू करना है, हमारी इच्छा से हमें बंद करना है, तो उसके लिए भी हमारे साइंटिस्ट ने हमारे लिए वॉच बनाई है जो है स्टॉप वॉच स्टॉप क्लॉक। स्टॉप वॉच स्टॉप क्लॉक मतलब कि जिसे हम अपनी इच्छा से वी कैन स्विच देम ऑन एंड ऑफ अकॉर्डिंग टू आवर विल, हमारी इच्छा से हम उसको बंद और चालू कर सकते। तो जैसे ही रेस स्टार्ट किया आपने उसको ऑन कर दिया, जैसे ही वो अपनी रेस कंप्लीट करके आपने 3 या 4 राउंड कंप्लीट करके 100, 200, 300 मीटर पूरा करके जब वापस आता है, जैसे ही उसने लाइन को क्रॉस किया तुरंत वॉच को बंद कर देंगे, तो हमें बराबर कितना मिनट कितना सेकंड लगा है ये हमें उससे बराबर पता चलेगा, क्योंकि ये जो स्टॉप वॉच है, ये जो स्टॉप क्लॉक है, इसको हम हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। तो वी हैव द स्टॉप वॉच एंड स्टॉप क्लॉक एंड इवन इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच so that we can come to know about the fixed interval of time, fixed time, fixed minutes and second we can come to know with this help. So their switches are in our hand, they work on our will, हमारी इच्छा होगी हम उसको तुरंत चालू कर देंगे, जैसे ही काम खत्म हुआ हमने बंद कर दिया, हमें पता चल गया कि हमें इतना टाइम काम करने में कितना समय लगा है। ये हमारी जो जनरल वॉच हम यूज़ करते हैं, रिस्ट वॉच जो हम यूज़ करते हैं, वॉल्व वॉच जो हमारे पास में, उससे हम ऐसा नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अबाउट द पेंडुलम क्लॉक, दिस इज़ अबाउट द पेंडुलम, इट हैज़ ए फिक्स्ड पॉइंट, इट हैज़ ए थ्रेड, थ्रेड से एक बॉब लगा हुआ है, ये बॉब जो है अभी ए पोजिशन में है, ए पोजिशन से बी पोजिशन में जाएगा, जब हम उसको थोड़ा सा मूव करेंगे बी से पीछे आकर फिर से सी पे जाएगा, वापस ए में आएगा, तो ये पूरा उसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगा, और एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसका जो टाइम लगता है दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, और ये टाइम पीरियड जो हमें पेंडुलम वॉच से पता चलेगा। पर इफ़ यू वॉन्ट टू नो द फिक्स्ड मिनट्स एंड सेकेंड, If you want to know the how these two persons have covered the distance and how much time, if you want to compare their time, then in that case we cannot use this watch. Then what the watches which we use are the stopwatch or stop clock, because their switches are in our hand, they work on our will. हमारी जैसी इच्छा होगी जितना टाइम हमें देखना है उतना टाइम उसको ऑन करें और हम उसको तुरंत बंद कर दें तो हमें बराबर फिक्स टाइम पता चलता है। अब जब हम ये सारा टाइम मेज़र कर लेते हैं, चाहे वो स्टॉप वॉच हो, चाहे वो स्टॉप क्लॉक हो, चाहे पेंडुलम क्लॉक हो, तो ये जो मेजरमेंट की जो यूनिट हम कैसे लिखते हैं, मीटर पर सेकंड इज़ द एसआई यूनिट, पर सेकंड इज़ द एसआई यूनिट। अब यहाँ पर हमें यदि इस यूनिट्स को लिखना है तो वी हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स, हमें उसके लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, कुछ रूल्स है उसको लिखने के लिए। तो जब हम टाइम को पता कर लेते हैं तो हमें लिखना यदि है तो हाउ वी विल राइट इट, तो यूनिट्स एंड देयर सिम्बॉल्स। तो यहाँ पर हम यूनिट्स को कैसे लिखेंगे, तो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है इंटरनेशनल जो हम यूज़ करते हैं
उसमें हमेशा जब भी हम टाइम को लिखते हैं तो स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, मतलब यदि हमें सेकंड लिखना है तो हम सेकंड का एस जो है स्मॉल लिखेंगे, किलोमीटर लिखना है किलोमीटर का के स्मॉल लिखेंगे, मीटर लिखना है तो मीटर का एम जो है हम स्मॉल लिखेंगे, मतलब जब भी हम उसकी स्पेलिंग लिखेंगे तो इट विल स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। जनरल हमने पढ़ा है कि जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, किसी का नाम लिखना है, किसी प्लेस का नाम लिखना है, कुछ भी लिखना है तो हम स्टार्ट जो है कैपिटल लेटर से करते हैं, ये हमने इंग्लिश में रूल पढ़ा है। पर यहाँ पर जब हम ऐसा यूनिट लिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका ये फर्स्ट रूल है कि इट विल स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, मतलब इसको लिखने के लिए हम किससे स्टार्ट करेंगे, स्मॉल लेटर से। तो यदि सेकेंड लिखा है तो सेकेंड का एस स्मॉल होगा, मीटर लिखा है तो मीटर का एम स्मॉल होगा, किलोमीटर है तो किलोमीटर का के स्मॉल होगा। सेकेंड रूल ये है कि दो वी विल स्टार्ट विद द कैपिटल स्मॉल लेटर, पर यदि वो मेजरमेंट के यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखी हुई है, मतलब जैसे सेल्सियस हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, आज का टेम्परेचर क्या है 35 डिग्री सेल्सियस, कल क्या हो सकता है, हो सकता है 42 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो जो डिग्री सेल्सियस हमने बोला ये फ़ारेनहाइट में हम यूज़ करते हैं, तो ये सेल्सियस फ़ारेनहाइट ये जो साइंटिस्ट के नाम है। अब जब ये टाइम हम लिखेंगे तो उसमें हम सेल्सियस का जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे, फ़ारेनहाइट का एफ हम स्मॉल नहीं लिखेंगे, दैट वी विल राइट कैपिटल, क्योंकि वो पर्सन के नाम के आधार पर उसके नाम को लेकर यदि वो यूनिट लिखी गई है, उसका नाम ही है एक प्रकार से वो यूनिट, मतलब तो उस समय हम जो है वहाँ पर वो एक्सेप्शन है कि उस केस में हम जब यूनिट लिखेंगे तो इट विल स्टार्ट विथ कैपिटल। तो सेल्सियस जब लिखेंगे तो इट विल स्टार्ट विथ सी, या फ़ारेनहाइट लिखेंगे तो इट विल स्टार्ट विथ कैपिटल एफ, बट रेस्ट ऑफ द यूनिट विल राइट विथ स्टार्टिंग विथ द स्मॉल लेटर। सेकेंड रूल ये है इसमें कि नेवर पुट स्टॉप, यदि आपने मीटर लिखा है तो मीटर लिखने के बाद में आपको स्टॉप नहीं लगाना, फुल स्टॉप, स्टॉप मतलब फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप जो है आपको नहीं लगाना है। किलोमीटर लिखा है तो किलोमीटर लिखने के बाद में फुल स्टॉप नहीं लगाना है, मीटर लिखा है तो उसको फुल स्टॉप नहीं लिखना है इसके आगे, किलोग्राम लिखा है तो किलोग्राम लिखने के बाद में आपको फुल स्टॉप नहीं लिखना है। मतलब यदि आपने लिखा है कि 5 किलोग्राम, मैंने 5 किलो शक्कर बाजार से लाई, तो आपने यदि 5 किलोग्राम लिखा है तो आप जब ये 5 किलोग्राम लिखेंगे तो उसके बाद में ये डॉट हम नहीं लगाएंगे, 5 किलोग्राम का के हम स्मॉल लिखेंगे और किलोग्राम लिखने के बाद में हम डॉट नहीं लगाएंगे, स्टॉप नहीं लगाएंगे। तो सेकेंड रूल हुआ कि नेवर पुट स्टॉप, यूनिट लिखने के बाद में स्टॉप नहीं लिखना। और तीसरी चीज़, यूनिट को कभी भी प्लूरल में नहीं लिखते हैं, उसको हमेशा सिंगुलर में लिखा जाता है, किलोग्राम्स नहीं लिखा जाता है, मीटर्स नहीं लिखा जाता है, सेकंड्स नहीं लिखा जाता है, किलोमीटर्स किलोलीटर्स ऐसा नहीं लिखा जाता है, एस नहीं लगता है लास्ट में, इट इज़ रिटन इन सिंगुलर, सिंगुलर में लिखते हैं उसको, प्लूरल में नहीं लिखा जाता है। तो किलोग्राम्स हम नहीं लिखेंगे, किलोग्राम लिखेंगे, मीटर्स नहीं लिखेंगे, हम मीटर लिखेंगे। तो तीन रूल है कि यूनिट जब हम लिखते हैं तो इट विल स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, सेकंड रूल है, पर यदि ये यूनिट जो है साइंटिस्ट के नाम से लिखी है तो फिर हम उसको जो है कैपिटल लेटर से लिखेंगे, जैसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये साइंटिस्ट के नाम है तो हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कैपिटल लेटर लिखेंगे, पर बाकी यूनिट हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। दूसरा, कभी भी यूनिट को जो है हम प्लूरल में नहीं लिखेंगे, किलोग्राम्स मीटर्स सेकंड्स ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर सेकंड। और तीसरी चीज़, यूनिट लिखने के बाद में फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। सो दीज आर द जनरल रूल्स विच वी शुड फॉलो व्हेन वी राइट द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। सो दिस इज अबाउट द पेंडुलम क्लॉक, अबाउट द स्टॉप वॉच, स्टॉप क्लॉक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, इट वर्क्स ऑन इट्स ओन, जो जनरल वॉच हम यूज करते हैं वो अपने हिसाब से काम करती है, वो एक बार आपने स्टार्ट कर दी है वो तो चलती रहेगी जब तक आप उसका सेल उसमें से बाहर नहीं निकाल देते, वो चलती रहेगी। पर स्टॉप वॉच और स्टॉप क्लॉक जो है दे वर्क ऑन आवर विल, हमारी इच्छा होगी हम शुरू कर देंगे, हमारी इच्छा होगी हम बंद कर देंगे। उसके बाद में पेंडुलम, एक ऑसिलेशन पूरा करने में उसको जो टाइम होता है दैट इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, टाइम पीरियड एक कंप्लीट जो है एक ऑसिलेशन कंप्लीट में उसको हमेशा फिक्स टाइम लगता है। उसके बाद में यूनिट्स मेजर करने के बाद में जब हम उसको लिखते हैं तो लिखने के वी हैव टू फॉलो सम रूल्स, हमें कुछ रूल्स फॉलो करना है, और जो रूल्स हम फॉलो करते हैं वो रूल्स हैं कि हमेशा यूनिट को हम जब लिखना शुरू करते हैं तो उसको स्मॉल लेटर से लिखना शुरू करते हैं, सेकंड यदि वो साइंटिस्ट के नाम से है तो उसको कैपिटल लेटर से लिखना शुरू करेंगे,
तीसरी चीज़, यूनिट लिखने के बाद में कभी फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। और चौथी चीज़ कि यूनिट को प्लूरल में नहीं लिखेंगे, सिंगुलर में लिखेंगे। किलोग्राम लिखेंगे, किलोग्राम्स नहीं लिखेंगे। मीटर लिखेंगे, मीटर्स नहीं लिखेंगे। सो दीज आर द जनरल रूल्स। सो दिस इज अबाउट द पेंडुलम क्लॉक, स्टॉप वॉच, स्टॉप क्लॉक एंड दिस। एंड वॉज द फर्स्ट आई टोल्ड दैट दिस पेंडुलम क्लॉक, दिस पेंडुलम वॉज डिस्कवर्ड बाई इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली। दिस इज अबाउट द पेंडुलम क्लॉक, मेजरिंग टाइम, स्टॉप वॉच, स्टॉप क्लॉक एंड द रूल्स वॉट वी शुड फॉलो वाइल राइटिंग द यूनिट्स। So now we will study about motion and speed. Before that, what we have studied about the time period, हमने जो pendulum पढ़ा, pendulum watch के बारे में, pendulum के बारे में पढ़ा, तो जो pendulum है उसमें हमने देखा है कि bob को एक oscillation पूरा complete करने में जितना time लगता है, that is its time period of a pendulum. ये जो हम frequency बोलते हैं, जैसे मैंने formula दिखाया है f is equal to 1 upon time. तो जो फ्रिक्वेंसी है इट इज़ द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन वन सेकेंड। एक सेकेंड में, मतलब ये जब बॉब मूव होता है अपने सेंटर पोजीशन से बी की तरफ, बी से सी की तरफ वापस ए पोजीशन में सेंटर में आता है, तो ये उसका एक ऑसिलेशन पूरा हुआ। ऐसे एक सेकेंड में वो जितने ऑसिलेशन पूरा करता है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन वन सेकेंड इट इज़ द फ्रिक्वेंसी, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। तो द टाइम टेकन बाय अ बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। और द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन वन सेकंड इट इज नोन एज द फ्रिक्वेंसी, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। फॉर्मूला है फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम। तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हुए हैं, दैट इज द फ्रिक्वेंसी। और एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है, दैट इज द टाइम पीरियड। Now we'll study about the motion and speed. Motion, motion हम कब बोलेंगे, हम कैसे बोलेंगे motion? Motion मतलब क्या? Motion मतलब कि to move from one place to other, to move our body, to move the things. एक कोई चीज़ या कोई person एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, I am moving from this place to that place, this is the motion. I am going from one place to that place. Car moves from one city to other city. Aeroplane moves. तो ये जो मोशन है, मोशन मतलब द मूवमेंट, मूवमेंट, मोशन मतलब क्या है, मूवमेंट, मतलब द पर्सन मूव्स, द कार मूव्स, द थिंग्स मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। अ बॉडी सेट टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजिशन चेंजेस विथ टाइम। इफ आई एम इन मोशन, तो ये कब मैं कहूँगी, यदि टाइम के साथ में मेरी जगह बदलती है। तो यदि आपने टाइम देखा है और यदि एक सेकंड के बाद, दो सेकंड के बाद में यदि मैं यहाँ पर आ गई हूँ, इसका मतलब कि द बॉडी इज इन मोशन। सो इट चेंजेस इज पोजिशन इन कमिंग टाइम पीरियड, आने वाले टाइम में वो अपनी पोजिशन यदि चेंज करती है तो हम बोलेंगे द बॉडी इज इन मोशन। यदि बस स्टॉप पर बस खड़ी है और थोड़ी देर के बाद यदि आपको उस जगह से दूसरी जगह दिखती है, इसका मतलब कि बस इज मूविंग, इट मूव्स फ्रॉम इट्स प्लेस, दैट इज द बॉडी इज इन मोशन। यदि ट्रेन रेलवे स्टेशन से चलना शुरू हो गई है, वो दो मिनट में, तीन मिनट में कहीं और चली जाती है, तो इट हैज़ चेंज्ड इट्स प्लेस, उसने अपनी प्लेस चेंज कर ली है, इसका मतलब द बॉडी इज इन मोशन। सो इफ इट्स चेंजेस इट्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द टाइम, देन वी से दैट द बॉडी इज इन मोशन। तो बॉडी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। द स्पीड ऑफ ए बॉडी, द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट पर्टिकुलर फिक्स टाइम। हम स्पीड किसको बोलेंगे, कि एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम में उस बॉडी ने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने में कितना टाइम उसको लगा है, या इतने पर्टिकुलर टाइम में उसने कितना, उसने डिस्टेंस कवर किया है, वो तो स्पीड हुई। बोलते ना कि हमारी गाड़ी जो 60 की स्पीड से चल रही थी, गाड़ी जो 100 की स्पीड से चल रही थी, 100 की स्पीड से चल रही थी मतलब क्या, कि जैसे उसमें 60 किलोमीटर पर आर, 100 किलोमीटर पर आर, 500 किलोमीटर पर आर, तो 500 किलोमीटर पर आर मतलब कि एक घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 500 किलोमीटर का। आपने देखा होगा इंदौर से बॉम्बे जाने में हमको 50 मिनट्स लगते हैं, 50 मिनट्स में नियर अबाउट 1 आवर यदि हम कहें, तो यदि 550 किलोमीटर का डिस्टेंस वो एक घंटे में कवर कर रहा है, हम लिखेंगे इट्स स्पीड इज़ 500 किलोमीटर पर आर, मतलब इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर इन 1 आवर, 60 मिनट्स, 55 मिनट्स।
इफ आई टेक 10 मिनट्स टू गो टू माई होम देन आई विल से दैट 10 मिनट्स आई नीड टू कवर दिस 4 किलोमीटर डिस्टेंस 4 किलोमीटर और इतने सेकेंड में, मतलब एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में आपको उतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, दैट इज द स्पीड। और यदि हमें मूविंग बॉडी की स्पीड मेजर करना है तो हमें उसका डिस्टेंस पता होना चाहिए कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है और उतना पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगा है, तो हम उसकी स्पीड पता कर सकते हैं। यदि हम बोलते हैं कि ये गाड़ी 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, मतलब 50 किलोमीटर वो एक घंटे में कवर कर रही है डिस्टेंस, एक घंटे में 50 किलोमीटर जा रही है, 300 किलोमीटर दो घंटे में जा रही है, दैट इज़ द स्पीड। तो स्पीड मेजर करने का जो हमारा फॉर्मूला है, दैट इज़ द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि आपको कार की, ट्रेन की स्पीड मेजर करना है, एरोप्लेन की स्पीड मेजर करना है, तो आपको स्पीड मेजर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यदि मैंने बोला है कि आई हैव कवर्ड 60 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस विद इन 5 मिनट्स, तो हम डिस्टेंस की जगह लिखेंगे 60 किलोमीटर, टाइम की जगह लिखेंगे 5, एंड आई विल कम टू नो अबाउट स्पीड। यदि आपको, कई बार ऐसा होता है कि हमको टाइम पता नहीं है, हमको डिस्टेंस पता है, हमको स्पीड पता है, स्पीड पता है हमको कि ये गाड़ी इतनी स्पीड से चलेगी, ये गाड़ी इतनी स्पीड से चलेगी, आप इतने किलोमीटर इतनी स्पीड से जाना है, तो हमें पता नहीं टाइम क्या है, तो उस समय फिर टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपको डिस्टेंस पता करना है, स्पीड और टाइम आपको पता है कि भाई 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, एक घंटा लगेगा, आपको स्पीड भी पता है उसकी। अब आपको ये पता है फिर यदि इतना टाइम है, इतनी स्पीड है, तो कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा तेज में, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो वी कैन फाइंड आउट इवन द स्पीड ऑफ द बॉडी, वी कैन फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर दैट डिस्टेंस, एंड इवन वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बाय टेकिंग द स्पीड एंड टाइम। सो टू फाइंड आउट स्पीड we have the formula speed in meter per second, speed is equal to distance upon time, या time is equal to distance upon speed, या distance is equal to speed into time. So in that way we can calculate the speed, we can calculate the time, we can calculate the distance, and by calculating this we can come to know the if the body is in motion, यदि body motion में है, यदि बॉडी अपने प्लेस से दूसरी जगह पर जा रही है, तो इसका मतलब इट इज़ इन मोशन। तो यदि वो मोशन में है, तो वो कितना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितने टाइम में कवर किया है, तो हमें पता चल जाएगी उसकी स्पीड। यदि हमें डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो वी कैन कैलकुलेट द टाइम, एंड इवन वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस, वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बाय मल्टीप्लाइंग द स्पीड विथ टाइम। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द मोशन, हाउ द मोशन इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी। अब इसके लिए जो है, जब हम मोशन और स्पीड की बात करते हैं, तो यदि हमें बताना है, पेपर के ऊपर बताना है, ग्राफ के रूप में यदि हमें बताना है, तो हम वो ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, तो उस ग्राफ को बनाते समय हमने देखा है कि उसमें दो एक्सिस होते, द ग्राफ हैज़ टू एक्सिस, एंड दैट टू एक्सिस इज, वन इज द एक्स एंड अनदर इज द वाई, दिस इज द सेंटर पॉइंट। अब हम इस एक एक्सिस के ऊपर हम लिखते हैं डिस्टेंस, और दूसरे वाले एक्सिस के वहाँ पर लिखेंगे हम टाइम। डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस विल बी रिटन इन मीटर एंड टाइम विल बी रिटन इन सेकेंड। अब यदि हम एक फिक्स टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, यदि हमारे पास में सपोज एक कोई बॉडी है, और वो बॉडी जो है डिस्टेंस पहले तो जो है वो सेंटर में है, बस यदि रुकी हुई है तो बस स्टॉप पर रुकी हुई है, सेंटर में है। जब वो चलना शुरू करती है, जब वो बॉडी मूव होना शुरू करती है, जब अपनी पोजिशन को वो चेंज करती है, तो उस पोजिशन को यदि चेंज करती है, तो यदि हमने देखा है कि ये जो टाइम है इसका 1 सेकेंड है, सपोज कि 1 सेकेंड में वो 2 मीटर जाती है, 1 सेकेंड में वो जा रही है 2 मीटर, 2 सेकेंड में जा रही है 4 मीटर, या 3 सेकेंड्स में जा रही है 6 मीटर, तो हम यहाँ पर जो है इस ओ के सेंटर से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने ड्रॉ की है, तो इस एक्सिस पर हम लिखेंगे टाइम, इस एक्सिस पर लिखेंगे हम डिस्टेंस, और हम देखते हैं कि इसका जो टाइम है, द टाइम टेकन बाय दैट बॉडी टू कवर द पर्टिकुलर डिस्टेंस इज सेम फॉर
आफ्टर द इंटरवल। एक सेकंड में यदि उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया है तो बराबर 2 सेकंड में वो 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, या 3 मीटर में वो 6 सेकंड का डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब उसकी बॉडी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी। इट टेक्स अ यूनिफॉर्म टाइम, एक जैसा टाइम लगता है उसको डिस्टेंस कवर करने में। यदि यहाँ से 1 किलोमीटर जाने में उसको यदि 1 सेकंड 2 सेकंड लग रहे हैं तो अगले 1 किलोमीटर जाने में भी उसको उतना ही टाइम लगेगा। तो यदि सेम स्पीड से, इफ द बॉडी इज मूविंग विथ अ सेम स्पीड देन इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म मोशन, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ये हर बॉडी की अलग अलग होती है, हर किसी की। यदि मैंने बोला कि मैं जो है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जो 1 घंटे में तय करती हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि और अगला कोई पर्सन ऐसे ही करेगा, तो इट इज़ डिफरेंट। बट हियर द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर द डिस्टेंस इट इज सेम। एक सेकंड में यदि वो 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है तो 2 सेकंड में 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। और इस केस में यदि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं देन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। वो कैसा रहेगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन क्यों रहेगा? क्योंकि उसको एक फिक्स टाइम लग रहा है फिक्स डिस्टेंस कवर करने में। यदि ये बॉडी ने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 1 सेकंड में, तो और अगले 2 किलोमीटर का भी उसने डिस्टेंस कवर किया है अगले सेकंड्स में, सेम टाइम लगा है उसको, तो जब उसको ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इफ़ द बॉडी इज़ नॉट इन ए मूविंग पोजिशन, यदि बॉडी अपनी जगह से हिल नहीं रही है, द बॉडी विल बी एट रेस्ट। इसका मतलब वो कौन सी पोजिशन में है? रेस्ट वाली पोजिशन में है। एंड इफ इट मूव्स एंड इफ इट कवर्स द फिक्स डिस्टेंस इन ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम देन द ग्राफ वी ड्रॉ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। वो ग्राफ कैसा होगा? वो स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हम इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको हम पाई चार्ट में भी बता सकते हैं। अब यहाँ पर जो है डिस्टेंस टाइम के हम कोई भी ग्राफ, यदि कुछ भी हमें पता करना है तो हम जो है उसको इस तरीके से ग्राफ एज इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ ऑल्सो ऑन द पेपर वी कैन शो इट। सो दिस इज अबाउट द मोशन एंड स्पीड। टाइम हमने पढ़ लिया, अभी हमने मोशन भी पढ़ा है कि वेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम इट्स प्लेस, इफ द बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन अकॉर्डिंग टू द टाइम, समय के साथ साथ यदि बॉडी अपनी जगह बदलती है, अपनी जगह से मूव होती है, तो उसको हम बोलते हैं मोशन। उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन। एंड व्हेन द बॉडी मूव्स इट टेक्स सर्टन टाइम टू कवर सर्टन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करने में उसको कुछ टाइम लगता है। एंड बाय सीइंग दिस वी कैन मेजर इवन द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट दैट डिस्टेंस, एंड इवन वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन गिवन टाइम एंड स्पीड। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम। एंड वी कैन शो दिस रीडिंग्स इफ यू हैव द मेजरमेंट, देन इवन विद दैट वी कैन शो इट ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एंड इफ द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब यदि बॉडी जो है एक जैसा डिस्टेंस सेम फिक्स इंटरवल टाइम में यदि कवर कर रही है, फिक्स टाइम में कवर कर रही है, तो जो हम ग्राफ बनाएंगे दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। और यदि बॉडी की स्पीड बदल रही है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में पहले बार उसको 5 मिनट लगते, दूसरी बार में 10 मिनट लग गए, तो इसका मतलब वो ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इट विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म यदि मोशन है द ग्राफ विल ड्रॉ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। मोशन यदि फिक्स है उसकी, यूनिफॉर्म मोशन है, तो ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा? इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। सो चिल्ड्रन, दिस इज अबाउट द टाइम मोशन एंड स्पीड। नाउ यू हैव टू स्टडी द चैप्टर, यू हैव टू स्टडी दिस डिफरेंट फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बॉडी, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, टू फाइंड आउट द टाइम। यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूलाज। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम, ये सारा आपको याद करना है। यदि आप याद करेंगे तो यदि आपको कोई न्यूमेरिकल दिया है, उसमें टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, यदि किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, पर आर दिया है, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर में स्पीड डिस्टेंस दिया है, उसको मीटर में निकालना है, तो आपको किलोमीटर से मीटर में करना पड़ेगा। मीटर से टाइम यदि आर में दिया है, तो उसको मिनट में करना पड़ेगा। मिनट से सेकंड में आपको उसको कन्वर्शन उतना आपको करना पड़ेगा। आर से जब आप मिनट में करेंगे तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है, मिनट से जब सेकंड करेंगे तो फिर आपको एक और 60, मतलब 60 इंटू 60 करना है, या किलोमीटर से मीटर करेंगे यदि तो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से आपको कन्वर्शन करके यू कैन फाइंड आउट द स्पीड, यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस, यू कैन फाइंड आउट द टाइम। सो दिस इज चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट द टाइम, मोशन एंड स्पीड।